कैसे मेरे होटल वाले दोस्तों, मेरा नाम है शेफ धीरज और आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं कैसे क्लाउड किचन की हम लोग सेल बढ़ाएं। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं, मेरे बुक का गिव अवे आने वाला है, देख लीजिए आप। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ये बुक लें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बुक को कैसे जीते। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपने क्लाउड किचन ओपन कर लिया है, आप बिगनिंग स्टेजेस पे या मिडिल स्टेजेस पे, और आप देख रहे हैं आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे क्योंकि आप कहीं ओपन में नहीं है, आपको कोई देख नहीं रहा है। आप सिर्फ उन जो आपके जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनके ऐप पे है, स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, उबर एट, जो भी है। तो आप अपनी जो विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, मैं आपको वही टिप एंड ट्रिक्स वाला हूं जिनको आप अगर यूज करेंगे तो आपकी जो विजिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपके पास ऑर्डर की संख्या काफी मात्रा में आ जाएगी। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब है कि जब आपके पास ऑर्डर आता है, किसी ने आपके पास ऑर्डर करा है, तो आप कोशिश कीजिए विद इन 20 सेकंड्स या उससे भी पहले आप ऑर्डर को पिक कर जरूर कर लीजिए। अगर ऑर्डर को जितना जल्दी पिक करेंगे तो ये सारा रिकॉर्ड होता है और ये सारा इस चीजें पे डिपेंड करता है कि आपको नेक्स्ट ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, मैंने अभी ऑर्डर किया और आप 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, आप अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे ऑर्डर पिक नहीं कर रहे, तो मैं नेक्स्ट टाइम से मैं कहीं और ऑर्डर कर दूंगा या मैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे स्विच कर जाऊंगा। तो ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इवन जब हमारे जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं या वो भी कोशिश करते हैं, जो ऐप वाले हैं वो भी कोशिश करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो अपने ऑर्डर्स को पिक करें, क्योंकि वो समय समय पर आपको मेल्स भी भेजते रहते हैं, SMS भी भेजते हैं कि आपका जो समय है ज़्यादा होता जा रहा है, आप जल्दी से जल्दी अपने ऑर्डर पिक कीजिए। तो आपको अपने जो ऑर्डर्स हैं वो 20 सेकंड के अंदर ही पिक करने हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हमारा ऑफर्स एंड डिस्काउंट। आपको अपने आउटलेट पे ऑफर और डिस्काउंट हमेशा देते ही रहने हैं। आपको अपने जो प्राइसिंग है मेन्यू की इस प्रकार से रखना है कि वो कॉमन जो प्राइसिंग है उसे आप 10 या 15-20% आप ऊपर रखिए और साथ साथ आप डिस्काउंट देते चलिए, क्योंकि इस समय में जो हमारा जो मार्केट में है कि जो आप जितना ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, जितना ज़्यादा ऑफर्स देंगे, आपको उतने ही ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। तीसरा है जो इसका मेन पॉइंट है कि आप एक ही जगह से, एक ही क्लाउड किचन से कई सारे आउटलेट चला सकते हैं। तो इस टेक्निक के द्वारा भी आपकी जो सेल है काफ़ी बढ़ सकती है। आप सेम किचन का यूज़ कीजिए, थोड़ा अपना सेटअप अलग डालिए, आप बर्गर का भी चलाइए वहाँ पे, ड्रिंक्स का चलाइए, चाइनीज, इंडियन चलाइए, जिस प्रकार से आप चलाना चाहते हैं। आपको सिर्फ फसाई का लाइसेंस अलग लेना है, बाकी आपके जो GST नंबर है आप सेम शख्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर उनको उस खाने के बारे में मालूम है। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के में डाल दूंगा। इसके बाद है आपका पैकेजिंग मटेरियल। आप जो पैकेजिंग मटेरियल यूज करें उस पर आप अपना लोगो लगा के जरूर भेजिए, अपने अच्छे पैकेजिंग मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे मतलब कि कुछ भी हो जो भी आप दे रहे हैं अच्छे से दीजिए, ताकि जो कस्टमर है उसके पास एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि आप वहाँ किस प्रकार से हाइजीन से काम करते हैं और आपकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है, क्योंकि यही है जो आप मार्केटिंग की टेक्निक अपना सकते हैं, क्योंकि आप उनको ओपन में नहीं दिख रहे हैं। लास्ट जो कस्टमर के पास जाएगा आपकी जो प्रेजेंस होगी वो आपकी पैकेजिंग के पे ही होगी। इसके जो बाद है हमारा, आपको जो आपका जो की अकाउंट मैनेजर है, जब आप ऐप चलाते हैं तो आपको मालूम होगा कि आपको एक पर्सनल की अकाउंट मैनेजर दिया जाता है जो कि आपको बताता है कि किस तरीके से आपको डिस्काउंट्स लगाने हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो आप हमेशा उनसे कोऑर्डिनेट करके रखिए, वीक में उन्हें फ़ोन कीजिए कि मेरे ऑर्डर्स कम आ रहे हैं या ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि मैं अपनी रेस्टोरेंट के ऑर्डर की ग्रोथ कैसे करूँ। तो आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, वो आपको बिल्कुल सही सलाह देते हैं। इसके बाद है जो कि आपके लास्ट की मैं बोलूँगा, हमारे जो लास्ट का छठा पॉइंट है कि जब आप अपने जो आपके एरिया में रेस्टोरेंट है, आप देखिए कि अगर आप कहीं पर मैगी बेक रहे हैं और आप देखिए कि दूसरा रेस्टोरेंट जो मैगी बेक रहा है वो कितने की बेक रहा है, आप प्राइस का भी हमेशा कंपेयर कीजिए। अगर मान लीजिए सेम आइटम कोई 100 रुपये की बेचेगा और आप 50 रुपये की बेचोगे तो आपके पास ही लोग आएंगे, पर आपको ये सब कुछ कैलकुलेट करके रखना है अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से, आपको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं मेरे 6 के 6, अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, इन चीज़ों को, इन टिप्स को जरूर अपनाएंगे तो आपकी सेल जरूर बढ़ेगी। तो मैं वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई कमेंट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बताऊँगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने होटल वाले दोस्तों के साथ, ताकि वो उसका बेनिफिट उठा सके। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।